मैं हूँ प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। चीन में आमिर खान की फिल्म दंगल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। दंगल 1500 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। भारतीय सिनेमा में बाहुबली 2 इस आंकड़े को कमाने वाली पहली फिल्म बनी थी। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्विटर कर जानकारी दी है और उन्होंने ट्वीट किया है, फिल्म ने अब तक 750 करोड़ की कमाई कर ली है। इस तरह से दंगल की वर्ल्ड वाइड कमाई 1501 करोड़ रुपए हो गई है। आप रमेश बाला के ये ट्वीट भी दे सकते हैं जिसके अंदर उन्होंने सारे आंकड़े दिए हुए हैं। बाहुबली 2 के अब तक आए वर्ल्ड वाइड आंकड़े से दंगल महज 37 करोड़ रुपए पीछे है। जिस तरह से चीन में दंगल ने रफ्तार पकड़ी हुई है उससे तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दंगल भी वर्ल्ड वाइड कमाई करने के मामले में जल्द ही बाहुबली 2 को पीछे छोड़ सकती है। चीन में आज के अंतिम आंकड़े के बाद ये तय माना जा रहा है कि दंगल 1500 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली दंगल दूसरी फिल्म होगी। बाहुबली 2 ने हाल ही में 1500 करोड़ के जादुई आंकड़ों को पार किया था। आपको बता दूं कि दंगल को चीन में नए नाम से रिलीज किया गया है। वहां इसे शुआई जियाओ बाबा नाम मिला है जिसका हिंदी में मतलब है आओ बाबा कुश्ती लड़े। चीन में 7000 स्क्रीन इसे हासिल हुई। चीन में रिलीज होने वाली आमिर की पहली फिल्म थी 3 इडियट्स जिसने वहां बॉलीवुड फिल्मों का मार्केट खोला और ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म ने वहां 225 मिलियन यानी कि लगभग 15 करोड़ की कमाई की थी। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।